अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है टोली चुकी हकीमपेट से। हकीमपेट पे रहने वाले कुछ लेबर्स जो कि मुख्तलिफ स्टेट से आए थे, यूपी, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, ऐसे कई स्टेट से आकर हैदराबाद में बसे हुए लेबर, उन्होंने सड़कों पर उतरकर एक आवाज उठाई, सब एकजुट होकर एक आवाज उठाई और ये कहने लगे कि हमको हमारे स्टेट को वापस भेजना चाहिए, वरना हम इसी तरह धरना देते रहेंगे रोड पे निकलकर। उसके बाद पुलिस के आला अहदेदार आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए पुलिस के आला अहदेदार कहते हैं कि हम इनको इनके स्टेट भेजाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं जाना चाह रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर रुकाकर उनके खाने का कुछ बंदोबस्त कर सके, इसका भी हम बंदोबस्त कर रहे हैं। इस तरह का कहना है पुलिस के आला अहदेदारों का। लगभग अनगरीब 1000 से 1500 लोगों का हजूम वहां पर देखा गया। बड़ा ही खौफनाक मंजर था कल देर रात का, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, कोरोना वायरस को लेकर सारी दुनिया सहमी भी है, डरी भी है। वहीं पर हमारे तेलंगाना में, हमारे शहर हैदराबाद में सोशल डिस्टेंस के नाम पर, कोरोना वायरस के नाम पर एक मजाक देखा जा रहा है सड़कों पर, आखिर क्यों? बहरहाल आइए हकीमपेट से खास खबर हम आपको दिखाते हैं। सर हम लोगों ने
मिट्स और बंजारा हिल्स के बॉर्डर में हकीम पेट के एरिया में हज़ार संख्या में ये जो माइग्रेंट लेबर है सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। ये लोग सब लोगों की मतलब यही ख्वाहिश थी कि ये सब अपने ओन स्टेट्स को पहुँचे यहाँ से, तो ये सब इतने लोग आने के बाद हम लोग इनको बिठा के समझाए कि इस तरह से नहीं होगा काम। ये सब लोगों का लिस्ट एक बना के हमारे पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करने के लिए बोले। ये अभी लिस्ट हमारे पास आने के बाद ये मालूम होगा कि बिहार के कितने लोग हैं, झारखंड के कितने लोग हैं, वेस्ट बंगाल के कितने हैं, कर्नाटक के कितने हैं, इसी तरह के हर कोई राष्ट्र से यहाँ पे आए हुए हैं। इन सबको जाने की जो चिंता है वो अगर से लिस्ट बना के देंगे तो हम लोग गवर्नमेंट तक ये पहुँचाएंगे। जब इनका ट्रेन का अरेंजमेंट होगा तब इनको बताया जाएगा कि इनका ट्रेन ये फलाना दिन है, उसके बाद ही यहाँ से ये लोग अपने ओन स्टेट को जा सकते हैं। ये लोगों का अभी जितने इनका खाने का और रहने का अगर से कोई प्रॉब्लम है हम लोग वो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे बोले हम लोग जिम्मेदार है कि हम लोग देखेंगे आपको कोई किसी तरह का यहाँ पे तकलीफ़ नहीं होगा जब तक आप लोग यहाँ पर हैं, और कोई भी आदमी भूखा नहीं रहेगा। जैसा कि हम लोग ये जोन में कम से कम 12,000 लोगों को रोज़ खाना खिला रहे हैं जो जिसको चाहिए, तो उसी तरह इनका भी अभी हम लोग जोनल कमिश्नर से बात किया। मैं जोनल कमिश्नर भी अभी एक 4-5 अन्नपूर्णा कैंटीन भी इनके लिए अरेंज करने के लिए वादा किया, वो मतलब इनका लंच और डिनर भी अगले 1-2 दिन के लिए ज़रूर किया जाए। तो अभी गवर्नमेंट का डिसीशन है कि अगर से गवर्नमेंट वो डिसीशन लेता कि किराया देना या नहीं लेना, वो गवर्नमेंट का डिसीशन है, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। जब इनके लिए गाड़ी रेलगाड़ी या इनके लिए बस का कोई भी मतलब सुविधा अरेंज किया जाएगा तब इनको हम लोग वहाँ पर उनके जिधर भी है वो लोग वहाँ पर जाके हम लोग बताएंगे। वहाँ से अगर से इनको ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत है अब ये भी हम लोग बोले कि वहाँ से इनको रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन का ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग सोचें। हम लोग यहाँ से जो ट्रांसपोर्टेशन का अरेंज करेंगे फ्री करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।